दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है और क्या क्या रोल होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन होता है और क्या टास्क होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द चैट जीपीटी। दोस्तों चैनल में लास्ट तक बने रहना, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों जैसे कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ये हमारे जनरल लाइफ में भी अपने खुद के भी जीवन में उतार के देखिए, अगर हम किसी से कोई काम करवाना तो उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपके घर कोई पेंटिंग करने वाला आया, आपने कहा कि ये रूम पेंट कर दो, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो अपना पेंट का घोल बनाएगा और रूम पेंट करना शुरू कर देगा। उसे ये नहीं पता कि कौन सा कलर लगाना है कौन सा नहीं। अगर आपने कहा कि इस रूम को ग्रीन पेंट कर देना या इस रूम को ऑरेंज पेंट कर देना, तब वो जा करके ग्रीन कलर का घोल बनाएगा या ऑरेंज कलर का घोल बनाएगा, तब उसको पेंट करना शुरू कर देगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप सब्जी ले जाते हैं, आप सब्जी वाले के पास गए और आपने कहा कि भैया सब्जी दे देना, तो उसके पास जो भी सब्जियां रहेंगी उसके मन में जो आएगा वो दे देगा। तो उसके लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि जैसे 1 किलो टमाटर दे दो या 1 किलो आलू दे दो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है दोस्तों, तभी वह हमारा काम सही ढंग से हो पाता है। तो जैसा हम जनरल लाइफ में अपने खुद के जीवन में जैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे ही हमें चैट जीपीटी से भी इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है हमें प्रॉपर आउटपुट लेने के लिए, अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट की आवश्यकता होती है तो। तो दोस्तों इसी क्रम में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, रियल लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल हैं जो अभी मैंने बताए हैं। उसके अलावा मैं चैट जीपीटी से इस टास्क को परफॉर्म करवाना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो हम लोग कैसे देंगे, तो उसके लिए चलिए देखते हैं कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस इन प्रॉम्प्ट टेक्निक। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं प्रॉम्प्ट टेक्निक में, ठीक है। ए वे ऑफ गाइडिंग द आउटपुट ऑफ चैट जीपीटी बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर मॉडल टू फॉलो। मतलब हमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना होता है जो भी हम लिखते हैं कि मेरे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही मुझे आउटपुट दो, ठीक है। अब ये इसका प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला क्या होता है इंस्ट्रक्शन देते हुए, जनरेट टास्क फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल। जैसे जनरेट टास्क फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गिव मी वेजिटेबल एंड द क्वांटिटी ऑफ द वेजिटेबल। इस तरीके से आप लोग प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो आपके मन में आए, जो भी किसी भी चीज को सही ढंग से करना, अपने दिमाग में बिल्कुल फिट सेंटेंस बना लेना, इंस्ट्रक्शन के साथ बना लेना, वही प्रॉम्प्ट कहलाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जनरेट रिस्पॉन्स टू द कस्टमर इंक्वायरीज। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कोई कोई कंपनी है या कोई LIC की कंपनी है या कोई इंश्योरेंस की कंपनी है या कोई कंप्यूटर की कंपनी है, लैपटॉप की कंपनी, मोबाइल की कंपनी है, कोई भी है, तो अगर उसने कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया या नहीं भी सेल किया तो कस्टमर की इंक्वायरी आती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है कि हम लोग कस्टमर को क्या देंगे, किस प्रोडक्ट से। अगर अगर कस्टमर मोबाइल के बारे में पूछेगा तो क्या बताना है, कस्टमर लैपटॉप के बारे में पूछेगा तो क्या बताना है, कौन से मोबाइल के बारे में क्या इसको इसको रिस्पॉन्स करना है, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे टास्क हमारा हो गया जनरेट रिस्पॉन्स टू द कस्टमर इंक्वायरी। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है ये टास्क है, जनरेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर इंक्वायरीज। और इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या देंगे, द रिस्पॉन्स शुड बी प्रोफेशनल विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है, उसे हमें बिल्कुल प्रोफेशनल वे में उसको हमें गाइड करना पड़ेगा, उसे हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा बिल्कुल प्रोफेशनल वे में भी। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आया और हम बिल्कुल अनप्रोफेशनल हो गए, उसके उसके साथ बिल्कुल कैजुअल हो गए, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल वे में इंफॉर्मेशन, हमें आउटपुट चाहिए। तो प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, जनरेट प्रोफेशनल एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर इंक्वायरी फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन क्या है, द रिस्पॉन्स शुड बी प्रोफेशनल विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि क्या आउटपुट इसका आएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं चैट जीपीटी के पास इस इंस्ट्रक्शन के लिए और आपको दिखा देता हूं। ये देखिए चैट जीपीटी है, इसको मैंने पहले से ओपन कर रखा है मेरे दोस्तों। अब मैं चलता हूँ इसको वही वाला कमांड मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, ऑफ कोर्स आई एम हियर टू हेल्प यू, प्लीज प्रोवाइड मी विद द स्पेसिफिक कस्टमर इंक्वायरी एंड आई विल जनरेट प्रोफेशनल एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स टू यू।
ये कह रहा है कि प्लीज प्रोवाइड मी विथ स्पेसिफिक कस्टमर इंक्वायरी। ओके, कस्टमर इंक्वायरी क्या होगी कि प्लीज टेल मी हाउ टू ओपन ए बैंक अकाउंट इन योर बैंक। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या इंस्ट्रक्शन देता है। ये देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसने इंस्ट्रक्शन मतलब रिजल्ट देना देखो शुरू कर दिया इसने बिल्कुल। ठीक है, टू ओपन अ बैंक अकाउंट विथ आवर इंस्टीट्यूशन प्लीज फॉलो दिस स्टेप। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस आवर। अप्रोच वन ऑफ आवर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हु विल असिस्ट यू विद द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। ब्रिंग द इंक्वायरी, ब्रिंग द रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सच एज वैलिड गवर्नमेंट आईडी, एग्जाम्पल पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है दोस्तों, द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विल प्रोवाइड यू विद द नेसेसरी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड फिल आउट। ठीक है, सबमिट द कंप्लीट फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी बैंक अकाउंट ओपनिंग के जो भी स्टेप होते हैं वो बिल्कुल आपको वैसे ही बता देगा। तो वही है कि अगर कस्टमर हमसे पूछ रहा है कि हमारा एजेंट बैठा हुआ है कॉल सेंटर में, कस्टमर ने कॉल किया कि आप कि कृपया मुझे बताएं कि आपके आपके यहाँ पे अकाउंट कैसे खुलता है, तो अब कस्टमर क्या जो एजेंट है वो या तो स्क्रिप्ट में बोल सकता है या तो अगर चैट बोर्ड बना हुआ है तो चैट बोर्ड में ये इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी, वहां से वो ऑटोमेटिकली उसको आंसर उसको मिल जाएगा। मेरे दोस्तों तो इस तरीके से है, हम लोग इंस्ट्रक्शन दे करके हम लोग करेक्ट डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। विदाउट विदाउट इंस्ट्रक्शन जो है हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, उसमें हम लोग आपके बारे में आपको रोल्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपके लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, योर टास्क टास्क का क्या है आपका, जनरेट लीगल डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन क्या होगा और प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला क्या होगा। ये दो चीजें आप जो है अभी जो मैंने बताया उसको फॉलो करके आप कमेंट कर सकते हैं।